सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को हम तो डेफिनेशन पहले तो देखो बच्चों कैसे आप करोगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके बराबर है। जब भी आप डेफिनेशन यूज करते हैं आप डिस्टेंस कवर्ड जो है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन यहां से आप स्टार्ट करते हो और डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा एवरेज आपका वी प्लस यू अपॉन टी है टाइम टी है, ऐसे रख दोगे आप। राइट बेटा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसमें वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इट्स वेल नोन टू यू। आप v की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस इक्वेशन में, s आपको मिल जाएगा u प्लस ए टी, इसकी जगह पर आ गया ये वाला u, s s बड़ा ही है, इन द डिनोमिनेटर 2 है ही है और ये t है ही है। ठीक है, अब आप क्या करिए इन दो टर्म्स को कंबाइन कर लो, u एंड u, this will be this is 2u plus at as such upon 2 into t। अब 2 इसके डिनोमिनेटर में भी है इसके भी में, तो आप इस 2 को दोनों के साथ एडजस्ट कर दो, आपके पास आ जाएगा s is equal to 2u upon 2 इसके साथ, at upon 2 इसके साथ, into t इसके साथ, this is getting cancelled, right? एस बन गया यू प्लस हाफ ए टी, ए टी को आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों टर्म्स के साथ, एस विल बी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड इन दिस वे आप इसको निकाल सकते। राइट, क्लियर हो गया। थर्ड इक्वेशन डिराइव करने के लिए आपके जो बिगनिंग वाले स्टेप्स हैं यहां तक सेम रहेंगे यहां तक, और आप v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे बल्कि t की कर दोगे। लेट अस वर्क दैट आउट आल्सो बेटा। t फर्स्ट इक्वेशन से हमने निकाला कितना आएगा t बेटा, यहां से t एक मिनट बेटे कितना आएगा इस इक्वेशन से टी, देखो एब्सेंट माइंडेड बैठे हैं कि सर बोलते हैं बोली जाए कोई बात नहीं हम अपना बैठे हैं, वो तो अब आ ही जाएगा बच्चे। तो व्हेन यू आर मेंटली अलर्ट एंड टोटली प्रेजेंट इन द क्लास तो जवाब ऐसे चाहिए, तो देख लो आप, अब आप अलर्टली नहीं बैठे हुए हैं क्लास में। राइट, क्यों भाई क्या कहते हो, कुछ भी नहीं बोला आपने तो। सो टी इज बी माइनस यू अपॉन ए, ये टी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए साथ साथ, इसीलिए तो बेटा मैं बार बार कहता रहता हूँ पेन कॉपी हाथ में रखा करो, पेन थोड़ा चलता रहेगा तो हम भी चलते रहेंगे, नहीं तो हम रुक जाएंगे। सो s will be equal to v plus u upon 2 and v minus u upon a। हाँ जी मिलन लिखवाइए आगे, 1 by 2 a कहां से आया, किधर आए, यस ये पढ़ा है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो ये चीज आ गई जी, ठीक है जी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, एक बार रिपीट कर दीजिए, बी स्क्वायर माइनस, ठीक है ठीक है, अब अलर्ट हो गए सारे, दैट्स समथिंग वेरी नाइस। तो 2a को इस तरफ एडजस्ट कर लीजिए, 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। राइट बेटा, स्टैंड अप, इनका सबका नाम बोलिए, क्या क्या इंडिकेट करते हैं, यू क्या, बी क्या, ए क्या, एस क्या, टू क्या, यस व्हाट डू यू मीन बाय टू ए एस बी यू, क्या मतलब है इनका सबका, बी इज
कौन सी वेलोसिटी? बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। एक मिनट बेटे, एक मिनट रुक जाओ जरा, उसको मौका तो दो बोलने का। बी क्या है, यू क्या है, ए क्या है, एस क्या है, टू क्या है? बोल पुत्र, बैठ जाओ आप। बी फाइनल वेलोसिटी, बिल्कुल ठीक। यू इनिशियल वेलोसिटी, खत्म। ए एक्सेलरेशन, एस एस इज डिस्टेंस कवर्ड, टू क्या है? टू इज कॉन्स्टेंट, वेरी नाइस। अब पता चल गया, बिल्कुल, वेरी नाइस बेटे, गुड। इसीलिए बेटे मैं आपको सबको बार बार बेटे कहता रहता हूँ कि बेटे थोड़ा सा आप इन्वॉल्व रहा करो। उससे क्या होता है कि जितना भी हम काम कर रहे हैं एक्टिवली अगर कर लें, आपको बार 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 वो चीज़ फिर भूलेगी नहीं, राइट बेटे? और अदरवाइज सर तो बोल ही जा रहे हैं, ठीक है, उनका तो काम बोलना है, बोलते जाएंगे, हम अपना मजे से बैठे हैं, ये नहीं सोच रहे, ठीक है? कल को आपको भी सर बनना है, राइट? सो आइए बेटे आगे चलें। नहीं ऐसे बोलना नहीं, प्लीज बेटे बोलना नहीं है। आपको पता है ऑलरेडी एक वीक में सिर्फ दो पीरियड होते हैं, वो अगर आप ऐसे ही बोल बोल के निकाल दोगे तो काम कब करेंगे? क्लियर है ना? तो ये आपका हो गया जी, ये मैं बाद में इस पे आता हूँ। आइए मोमेंटम को पहले डिफाइन कर लें। मोमेंटम का क्या मतलब है और मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है? लेट अस कंसंट्रेट। मोमेंटम ये बेटे बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम स्केलर और वेक्टर के बारे में जानते हैं ना सारे बच्चे? आप एक्सप्लेन कर दीजिए क्या है स्केलर और क्या है वेक्टर? व्हाट डू वी मीन बाय स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज बेटे? बैठिए आप। स्केलर्स हैव और वेक्टर्स ओनली मैग्नीट्यूड। उल्टा नहीं बोल गए, बैठो। स्केलर जो होती हैं इनका मैग्नीट्यूड ही होता है, डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, राइट? एनी एग्जांपल ऑफ स्केलर एंड वेक्टर बेटा? एनी एग्जांपल? वन स्केलर, वन वेक्टर। मजा नहीं आता ऐसे काम का जैसे आप कर रहे हैं। ऐसे आंसर आना चाहिए, ऐसे बैठ जाइए आप। वन स्केलर, वन वेक्टर। एक्सेलरेशन इज व्हाट? वेक्टर और स्केलर? वेक्टर। एंड व्हाट अबाउट स्केलर? गुड। मास स्केलर है कि वेक्टर? वेक्टर कैसे हो गया? अभी मास की कौन सी डायरेक्शन है? बैठिए। टाइम, टाइम इज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टाइम स्केलर है, मास स्केलर है। एंड व्हाट अबाउट वेट? एक मिनट एक मिनट, वेट क्या है वो कैसे भाई? वेट की तो डायरेक्शन होती है। बैठिए। वेट इज वेक्टर क्वांटिटी। हम किसी भी चीज की अगर बात करें, उस चीज का अगर आप वेट नोट करो तो वेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। उसकी डायरेक्शन बिल्कुल फिक्स है, क्लियर? सो बात कर रहे थे कुछ और, आपको थोड़ा अलर्ट करना पड़ गया बीच में। मोमेंटम जो है इट इज बेटा डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। मैथमेटिकली बेटे आपका जो, सुनिए जरा इसका मतलब क्या है। क्वांटिटी ऑफ मोशन आप इसका मतलब समझना चाहते हैं, इसका बेटे लिटरल मीनिंग है कि उसमें मोशन कितना कंटेन्ड है। मोशन कंटेंड का मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा डायरेक्ट टूल नहीं है। आपको स्पीडोमीटर स्पीड दे देगा
अगर आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में है तो वो वेलोसिटी कहलाएगी। आपके ऑब्जेक्ट का मास आपको पता होता है, अगर आप कार मोटरसाइकिल बाइक साइकिल या आप खुद ही जा रहे हो, आपको अपना सब पता होता है। कार्स के ऊपर उन्होंने लिखा होता है कि इसका मास इतना है, बाइक का इतना, स्कूटी का इतना, एक्टिवा का इतना, साइकिल का इतना, सब नोन होता है। अब क्वांटिटी ऑफ मोशन में मास और वेलोसिटी दोनों इन्वॉल्व रहती हैं, और ये मैथमेटिकल फॉर्म में, इसी का मतलब मैं लिखने जा रहा था बेटे, मैथमेटिकली जो मोमेंटम पी है बच्चों, ये मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, आपका मोमेंटम भी वेक्टर रहेगा। राइट बेटा मिलन, व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ मोमेंटम? बोलिए बोलिए शाबाश, ठीक बोल रहे हो बेटे, बता दो एक बार, यही है, मत कहो, बोल तो दो एक बार, उठ जाइए जरा, इसको नीचे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल ठीक बेटे, मास के किलोग्राम साथ में वेलोसिटी वाले मल्टीप्लाई कर दीजिए मीटर पर सेकेंड बेटे। राइट, लिखने का तरीका आपका अपना अपना अलग हो सकता है, कई बार आप माइनस वन पावर डाल देते हैं, कई बार नहीं भी डाल के इस तरीके से लिख देते हो, दैट्स वन एंड द सेम थिंग। राइट, अब आपने कहा था कि इसका प्रूफ भी करना है, ये क्या था ना आपने, आइए दो मिनट लगा लें, इसका प्रूफ भी कर लें भाई, नोट करेंगे फिर साथ साथ सारे बच्चे, बिकॉज प्रूफ जो है इसमें हमें दो चार स्टेप्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, करने वाले हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कह रहा हूं बेटे मैं, ठीक है। एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, नाम इसका आपने रख दिया ए, मास इसका बच्चों एम वन है, वेलोसिटी इसकी यू वन है। राइट, एक हमारे पास और ऑब्जेक्ट है, नाम आपने रखा इसका बी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू टू है, अगर यू वन, मास भी कह दो इसका एम टू, अगर यू वन यू टू से बड़ा है, ये इसके साथ कोलाइड करेगा, करेगा ना, ये देखिए ये कोलाइड कर गए, कोलाइड करने के बाद ये फिर से सेपरेट हो जाएंगे, आपका ए ऑब्जेक्ट हैविंग मास एम वन, वेलोसिटी इसकी बदल गई, कोलिजन होगी तो वेलोसिटी बदलेगी, ठीक है जी। ये आपका बी ऑब्जेक्ट, मास इसका एम टू, वेलोसिटी इसकी बदल गई, बी टू हो गई। राइट, एट द टाइम ऑफ इंपैक्ट और द कोलिजन, ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पर, क्योंकि ये तेजी से आ रहा था ना और ये स्लो है, ये इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ हमें कहता है कि एज इज द एक्शन सो इज द रिएक्शन, बट इन द एंड ऑन द, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपको सब आता है, बड़ी खुशी वाली बात है। ये फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट बी ड्यू टू द ऑब्जेक्ट ए, ये बी बॉडी थी ना, ए बॉडी इसको धक्का दे रही है, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए हुआ, इसने रिएक्शन इसको दिया, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी कह रहे हैं, थर्ड लॉ आपने अभी अभी बताया है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी नेगेटिव ऑफ, ऐसे कहा जा सकता है ना, दिस इज एक्शन, दिस इज नेगेटिव ऑफ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ये दो रोज में से कौन स्टूडेंट न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट सुनाएगा, न्यूटन सेकंड लॉ, वो लास्ट गुड़िया, न्यूटन सेकंड लॉ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बैठिए आप, सेकंड लॉ बेटा, बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया, आप, हाँ जी आप, बहुत बढ़िया, सबको आता है, वेरी नाइस,
ठीक है बेटे, सबको ही आता है, अच्छी बात है। और जैसे आप लोग बता रहे हो कि फोर्स एक्सटर्नल जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पे डिपेंड करती है या बराबर होती है, के को वन कह देते हैं। ये फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ए है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगी मोमेंटम की चेंज का रेट भी उसी का होगा, है ना। ए बॉडी के मोमेंटम के चेंज का रेट कितना होगा आप बताओ गुड़िया। ए बॉडी के मोमेंटम के चेंज का रेट, ओए वो क्यों भाई, आपने तो बात ही खत्म कर दी सारी। बैठिए आप। हाँ, बैठिए। आपका तो प्रॉब्लम था, आपने तो पूछा था। यस, ए बॉडी के मोमेंटम में कितनी चेंज आई, कितना टाइम लगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हुआ। बैठ जाइए, आगे बोलिए, बैठो। आप बता दो बेटा। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। आपको सिर्फ ए बॉडी के मोमेंटम की चेंज बतानी है। ए बॉडी का मोमेंटम इनिशियल यहां से उठाइए और फाइनल यहां से उठाइए, ठीक है। तो मोमेंटम बेटे मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही होता है। ए बॉडी का फाइनल मोमेंटम कितना आ गया, m1v1, इनिशियल कितना आ गया, m1u1। यहां से यहां पहुंचने में उसको कुछ टाइम लगेगा, टी कह दी उस टाइम को, ये लीजिए कह दिया। और बी बॉडी के मोमेंटम का चेंज, एनीवन फ्रॉम दिस साइड उठ जाइए। अच्छा क्वेश्चन ही नहीं पता चला आपको। बी बॉडी के मोमेंटम का बेटे चेंज, बी बॉडी का बस जीरो ही है सब कुछ। बोलो बोलो उठ जाओ। वेरी नाइस, ये होता है मेंटली अलर्ट बैठने का फायदा। बैठिए। इट इज m2 into v2 माइनस m2 into u2 डिवाइडेड बाई t। t से t तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, और व्हाट वी आर लेफ्ट विद बेटा, m1v1 माइनस m1u1, दिस इज नेगेटिव ऑफ m2v2 माइनस m। इस साइन को अंदर कर दें, एक मिनट रुकिएगा जी, एक मिनट रुकिएगा, बड़ी जल्दी चल पड़े अब आप। m1v1 माइनस m1u1, अब क्या करें बच्चों, नहीं सेम तो कोई नहीं, कट कैसे कर देंगे। देखो बच्चों, ये नेगेटिव वाली टर्म है, इसको इधर जाकर पॉजिटिव कर लीजिए, ये नेगेटिव वाली इसको इधर ले आइए, पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। आपके पास आ गया m1v1 + m2v2 इज m1। अरे नहीं, ये चीज कहीं देखी देखी लगती है, कहाँ यहाँ पे है। दोनों बॉडीज का मोमेंटम का सम आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। इसको हमने जनरली क्या कहते हैं, नहीं बेटे ये तो फाइनल है, ये तो फाइनल है, सो वी विल कॉल दिस एज फाइनल मोमेंटम। और ये कहीं देखा देखा लगता है, वेरी नाइस वेरी नाइस, दिस इज इनिशियल मोमेंटम। तो यही आपको प्रूव करना था कि अगर आपकी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व, या इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। क्या वो आपकी सिरदर्दी नहीं है, यू विल फाइंड इट इन दीज ऑल इन ए रिफाइंड मैनर इन द एग्जामिनेशन। आपको कंटेंट और आपको ये समझ होनी चाहिए कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ है।
आप लोगों ने रिवीजन टेस्ट 1 और 2 बड़े अच्छे से दिया है, उसमें आपके मार्क्स भी बड़े अच्छे अच्छे आए हैं काफी बच्चों के, तो जैसे क्वेश्चन वैसे वहां पे थे ऑलमोस्ट वैसे ही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वही आ जाएंगे, ऑलमोस्ट उसके साथ मिलते जुलते थोड़ा चेंज आ जाएगा, तो क्वेश्चन का टाइप आपने देख ही लिया है राइट। चलिए आगे देन, इसके बाद हमारे पास कंसेप्ट था ये एक्टिविटीज भी करवा देते हैं। हाँ, वेलोसिटी का डेफिनेशन किसने पूछा था, वेलोसिटी होता है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आपका जो ऑब्जेक्ट है शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग जब मूव करता है फाइनल और इनिशियल पोजीशंस में कितना स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है आप उसको डिस्प्लेसमेंट बोलोगे, और टाइम से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगी वेलोसिटी राइट। ये क्या था एक्टिविटी नंबर 9.6 किसका है, दीजिए बुक। नाइन पॉइंट सिक्स नंबर एक्टिविटी है बच्चों, ए बुलेट एग्जांपल है ये तो। अच्छा एक्टिविटी ऊपर है, टेक ए टेस्ट ट्यूब ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ ग्लास मटेरियल एंड पुट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, प्लेस ए स्टॉप कॉर्क एट द माउथ ऑफ इट, नाउ सस्पेंड द टेस्ट ट्यूब हॉरिजॉन्टली बाय द टू स्प्रिंग्स और द वायर्स एज शोन इन द डायग्राम, हीट द टेस्ट ट्यूब विद ए बर्नर अंटिल द वाटर इवेपोरेट्स एंड कॉर्क ब्लोज आउट, ऑब्जर्व द टेस्ट ट्यूब रिकॉइल्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द कॉर्क, ऑल्सो ऑब्जर्व द डिफरेंस इन द वेलोसिटी ऑफ द कॉर्क अपीयर्स टू हैव एंड दैट ऑफ द रिकॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। इसमें कौन सी बात नहीं पता चली, समझ नहीं आई एक्टिविटी, समझिए जरा ध्यान दीजिएगा, डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, आप सारे स्टूडेंट्स ध्यान देना। यस, ये टेस्ट ट्यूब है, उन्होंने हॉरिजॉन्टली आपको कहा है कि इसको बना लीजिए, ये टेस्ट ट्यूब अगर मैं बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बना लूंगा तो पानी गिर जाएगा, इट विल बी इन लेवल, तो यहाँ पे पानी इसमें है थोड़ा सा, यहाँ पर कलेक्टेड रहेगा, ये कॉर्क आपने लगा दिया हल्का सा, कॉर्क की जगह पे आप यहाँ पे बेटे एक कॉटन का बॉल बनाकर भी एडजस्ट कर सकते हो राइट। इसको आपने विद द हेल्प ऑफ वायर्स ऐसे सस्पेंड कर रखा है किसी स्टैंड से, आप ऐसे स्टैंड लगा सकते हो ठीक है जी, ये सस्पेंडेड है, यहां पे आपने एक बर्नर रखा इसके नीचे, गर्म होने लग गया टेस्ट ट्यूब, पानी के वेपर बन गए, स्टीम बन गई, जैसे प्रेशर कुकर घर में यूज करते हैं पता ही है सबको राइट, स्टीम इसके अंदर प्रेशर बिल्ड कर देगी, प्रेशर फोर्स के साथ रिलेटेड होता है पता है आपको, कैसे रिलेटेड है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड द फोर्स, बच्चों याद रखिए प्रेशर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स बन गई प्रेशर इनटू एरिया, जितना ये स्टीम प्रेशर डालेगी मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ द कॉर्क ठीक है, इतने फोर्स के साथ जब स्टीम इस कॉर्क के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, ये जो टेस्ट ट्यूब है बेटे ये आप समझ सकते हो कि नॉन और अनब्रेकेबल ग्लास की है, ये समझ सकते हैं आप अपने कन्वीनियंस के लिए, कॉर्क विल बी थ्रोन इन दिस डायरेक्शन। अब देखो मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये डायरेक्टली आपके प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एप्लीकेशन है, आपने इस पे कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया, आपने धक्का नहीं दिया इसको कॉर्क को भी जा भी भाग जा, ऐसा नहीं आपने कहा, आपने गर्म किया, प्रेशर की वजह से फोर्स बिल्ड हुई और ये निकल गया, इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉर्क का जितना भी मास है इसको आप इसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
ये इस कॉर्क का मोमेंटम डेवलप हो गया बिफोर यू हीट दिस ट्यूब, आपका मोमेंटम कितना था जीरो, अब आपने हीट किया तो ये कॉर्क का मोमेंटम इधर आ रहा है, अब ये जीरो तो नहीं है, अब क्या करें, इसको जीरो करने के लिए आपके टेस्ट ट्यूब को बैकवर्ड डायरेक्शन में किक बैक करना पड़ेगा, रिकॉइल करना पड़ेगा, ताकि इसका मोमेंटम एग्जैक्टली इसके बराबर बट अपोजिट आ जाए, ठीक है। इसका और इसका सम कितना हो जाना चाहिए, जीरो। और बात नोटिस करने वाली क्या है, कॉर्क बड़ा हल्का होता है, मास उसका कम होता है, टेस्ट ट्यूब का ज्यादा होगा, कॉर्क ज्यादा भागेगा, टेस्ट ट्यूब थोड़ा सा पीछे को होगी, क्योंकि क्योंकि इनका प्रोडक्ट आपको बराबर करना है, इसमें मास कम है तो वेलोसिटी ज्यादा हो गई, इसमें मास ज्यादा है तो वेलोसिटी कम हो गई है, राइट। इट इज एग्जैक्टली बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। समझ आ गई सारे बच्चों को, कोई दिक्कत, कोई शक, कोई और बात? हाँ जी गुड़िया, 9 point। तो ये भी वही है, ओ सुनिए सुनिए, मैं इसको डायग्राम को देख के समझ गया, मैं पढ़ता नहीं, वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। इसमें क्या है कि आपका बेटा, डियर चिल्ड्रन, देखो आपको हरेक पीरियड में दो बार समझाना पड़ता है, हमारा एक वीक में सिर्फ दो ही पीरियड होते हैं, और वी आर टू मेक बेस्ट यूज ऑफ दीज टू पीरियड्स, राइट। सो वो आपको पता है कैसे हमने बेस्ट यूज करना है, सो अकॉर्डिंगली आप थोड़ा सा ध्यान रखा करो। और ये एक थ्रेड है, थ्रेड के ऊपर आपने ये एक फॉलो, जैसे आपका पेन का कैप है, दोनों तरफ से खोल दिया, हाँ जी हाँ जी, से ड्रॉ डाल दिया, इसके साथ आपने एक बैलून फेविस्टिक से चिपका दिया ऐसे, और यहां से आपने इसको टाई कर रखा, इसके अंदर काफी एयर है, राइट, है कि नहीं, वो कहता है नहीं है, हाँ एयर हमने पंप से, क्या नहीं हो सकता, एक मिनट उठ जाइए, कैसे कम होगी भाई, हाँ? तो ये तो इसके साथ हमने इसको अटैच ही कर रखा है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे, कैसे निकलेगी हवा, बाहर से आपने टाई नहीं किया हुआ, यहाँ से टाइट नहीं कर रखा, ये आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप ऐसा क्वेश्चन भी पूछेंगे, हैं या वैसे ही पूछ लिया कि चलो एक आधा मिनट निकलेगा, ध्यान दो, अब इसके अंदर काफी ज्यादा प्रेशर पे आपने एयर फिल कर रखा है, एकदम से इसका ये ओपन कर दिया गया, एयर इस तरीके से रश करेगी इधर को, एयर जब इधर मूव करेगी, एयर का छोटा मोटा मास तो होगा लेकिन स्पीड बड़ी ज्यादा उसकी होगी बाहर आने की, इसका मतलब है जब एयर बाहर आएगी तो कुछ मोमेंटम इधर जनरेट हो गया, बिफोर इसको आप ओपन करें मोमेंटम जीरो था, इस सारे सिस्टम को इधर को मूव करना पड़ेगा ताकि मोमेंटम बैलेंस हो जाए, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू ऑल बेटा, डियर चिल्ड्रन, डू स्टडी, स्टडी हार्ड बेटा।